न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भयंकर गर्मी के साथ शुरू होने जा रहे बारिश के मौसम को देखते हुए अब जिला प्रशासन भी गंभीर हो गया है। इसी के चलते जिला के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के रास्ते सीमावर्ती राजस्थान से हरियाणा में आ रहे दूषित पानी को लेकर उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आज औद्योगिक कस्बा भिवाड़ी पहुंच राजस्थान के अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें यह दूषित पानी रोकने संबंधी निर्देश दिए। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि भिवाड़ी व खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से जो गंदा पानी हरियाणा में आ रहा है उससे न केवल यहाँ का जल दूषित हो रहा है बल्कि बारिश के मौसम में भी यहाँ जलभराव के आसार बढ़ जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में बने एसटीपी और सीटीपी भी चेक किए। इसके बाद उपायुक्त औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को वक्फ बोर्ड की जमीन पर फैले अतिक्रमण की पैमाइश करवाकर लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए ताकि यहां जाम की स्थिति से लोगों को निजात मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने धारूहेड़ा के बस अड्डे का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्टाफ पूरी तरह नदारद मिला। वहीं उन्होंने बस अड्डे में फैली गंदगी और अड्डे के सामने लगी रेहड़ियों को हटवाने के भी निर्देश दिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर का दौरा हमने कल किया था सारी जिला प्रशासन की टीम के साथ और आज हमने धारूहेड़ा के लिए ऐसा दौरा किया है। निर्देश यही दिए गए हैं कि जब भी एक तो नालियों की सफाई की जाए और दूसरे पंप्स का प्रबंध, बिजली का, ये सारी चीजें तैयार करके रखें। जो पहले हमने एक बार फ्लड कंट्रोल ऑर्डर इशू कर रखा है उसकी पूरी कंप्लायंस करें और उनको सबको दोबारा से एक बार सेंसिटाइज कर दिया गया है। उनको निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के सब चीजें बंद हों और कोई पानी भरने के हालात में मैन होल्स ये सब के ढक्कन लगे हों सो दैट इस प्रकार का हादसा दोबारा ना हो।